कोरोना में कई लोगों की जॉब चली गई, काम धंधे बंद हो गए। छोटे शहरों से आकर बड़े शहरों में नौकरी करने वाले लोग लॉकडाउन में फंस गए। ऐसे ही लोगों का सहारा बने हैदराबाद के रहने वाले रामू दोसा पार्टी, जिन्होंने राइज एटीएम यानी एनी टाइम मील की शुरुआत की, जो कोरोना महामारी के दौरान से अभी तक लोगों की मदद कर रहा है। 43 साल के रामू एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। रामू ने अपना बचपन गरीबी में गुजारा, लेकिन उन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि आज वो सैकड़ों लोगों का सहारा बने हैं। MBA की पढ़ाई करने के बाद कई सालों तक नौकरी की, उनकी मेहनत का ही फल है कि आज वो एक बड़ी कंपनी में HR डायरेक्टर की पोजीशन पर हैं। 2 साल पहले जब कोरोना ने दस्तक दी तो रामू ने लोगों की मदद करने की ठानी। उनकी मुलाकात एक महिला से हुई जो हैदराबाद में दूसरे राज्यों के फंसे लोगों का पेट भरती थी। उनसे प्रेरणा लेकर रामू ने लोगों की मदद के लिए ATM शुरू किया। इस ATM के तहत उन्होंने लोगों को राशन देना शुरू किया। हम लोग हैदराबाद में राइस ATM बोल के एक काउंटर खोला। ATM मीनिंग इज एनी टाइम मील। बहुत लोग दूर दूर प्लेस से आके इधर काम करने को था, लेकिन वो लोगों को पैंडेमिक में खाना भी बहुत मुश्किल हो गया। सो हम इधर ड्राई रेशन देने के लिए राइस ATM खोला। अभी तक 40,000 फैमिलीज को ड्राई रेशन का किट दिया। खुद के 50 लाख रुपए के जरिए न सिर्फ रामू ने लोगों की मदद की बल्कि सैकड़ों लोगों को रोजगार भी दिया। सो मेनी पीपल लॉस्ट देयर फैमिली अर्निंग मेंबर बिकॉज ऑफ कोविड। वो लोगों का स्किल सेट मालूम होने के बाद वो लोगों को चाय करना आ रहे बोले तो चाय का सेंटर, आयरन बॉक्स का सेंटर, कोकोनट शॉप्स, ऐसा स्विंग मशीन्स, डिफरेंट आइटम्स। अभी तक 915 फैमिलीज को मदद किया। इसके लिए उन्हें अपनी सेविंग्स के साथ PF का भी सहारा लेना पड़ा। जब इन सब से हालात नहीं संभले तो रामू ने फ्लैट खरीदने के लिए रखे पैसे का इस्तेमाल किया। इसके अलावा जहां से डिमांड आती वहां पर रामू मदद का हाथ बढ़ाते। ये जर्नी में बहुत लोग इधर आके राइस ATM बोले तो क्या चल रहे, कैसा लोग आ रहे मालूम होने के बाद वो लोग भी आके पार्टिसिपेट किया। ये अभी तक हम लोग ये इनिशिएटिव हैदराबाद में करा, लेकिन दूसरा प्लेसेस में भी कॉल करे तो उधर हम लोगों का वॉलंटियर्स का हेल्प लेके हम लोग मदद किया। लॉकडाउन के बाद भी रामू लोगों की मदद करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही वे पर्यावरण के लिए भी काम कर रहे हैं। पिछले 3-4 सालों से रामू पॉल्यूशन को रोकने पर भी काम कर रहे हैं। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।